आप देख रहे हैं अनमोल टेलर, मैं हूँ रमेश बाबू। आज हम आपको कमांडो धागों से डिज़ाइन बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से है ये पैटर्न, मैंने बनाया हुआ है बकरम का, चेक कर लें। इस तरीके से आपने पैटर्न बना लेना है और इसको मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से हमें 200 तक का मार्जिन छोड़ते हुए इसको मार्किंग करेंगे। तो आपने ये मार्किंग चेक कर ले फ्रेंड। तो फ्रेंड ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे, जब भी आपको पता लगेगा कि ये मार्किंग कैसे होती है, डिज़ाइन कैसे बनती है। तो हमने ये पूरा तरीक़ेकार इसमें समझाया हुआ है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, मेहनत यही है कि इसकी जो मार्किंग करनी होती है उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो जब मार्किंग हो जाएगी तो इस पर सिलाई अप्लाई करके ये डिज़ाइन बन जाएगी। तो थोड़ा टाइम ही लगने वाला है, इसमें खर्चा नहीं लगने वाला इतना, लेकिन थोड़ी मेहनत लगने वाली है फ्रेंड। तो इस तरीके से आपने मार्किंग कर लेनी है, चेक कर लें। ये तरीके से कर लेनी है फ्रेंड। अब इसका हम हाफ कर लेंगे इस तरीके से, जो पैटर्न बनाया हुआ छोटा सा, इसका हम हाफ कर लेंगे और यहाँ से लाइन लगा लेंगे, ताकि हम जो भी मार्किंग करेंगे वो हम ऐसे सेंटर में रखते हुए, बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। इस तरीके से मार्किंग करने वाले हैं, चेक कर लें। सेंटर में रख के उसको मार्किंग करेंगे, सेम तरीका। एक जंजीर बनने वाली है, तो इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे। चेक कर ले फ्रेंड। फ्रेंड गम न करना कि ये दुनिया आपके साथ नहीं है, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। तो फ्रेंड ये चेक कर लें। हमने इसको जंजीर को पूरा बनाना है, यहाँ से भी पूरा कर लेना है, आपके हमारे जो डिज़ाइन का लुक है वो अच्छा आ जाए। चेक कर ले, तो ये भी मार्किंग चेक कर ले, मार्किंग हो चुकी है कब पे, चेक कर ले। हम इस पर भी दोनों कप पे कर लेंगे, फ्रंट पट्टी पे भी कर लेंगे, सेम तरीका तरीके से बना लेंगे। वही जो तरीका हमने कप पे किया है, फ्रंट पट्टी पे वही बनाने वाले हैं और उसकी बैन पट्टी पे भी वही तरीका बनाने वाले थे। तो आपको पता लग गया होगा कि मार्किंग किस तरीके से की जाती है। तो इस तरीके से आप मार्किंग करेंगे तो आपका लुक बाहर से आएगा, वो भी आपको चेक करवाएंगे। तो मार्किंग की हुई है फिर चेक कर लो। तो हमारी कपड़े भी की हुई है, तो हम बैन पट्टी पे करेंगे, सेम तरीका। फ्रेंड ये हमारी मार्किंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम आपको इसमें जो कमांडो धागा इस्तेमाल करने वाले हैं, तो एक 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 जंजीर में हम चलाएंगे ब्लू कलर चलाएंगे, एक में हम नारंगी कलर चलाएंगे और ऊपर से वाइट कलर चलाएंगे दोनों में। तो ये आपको मशीन पे सिलाई करके चेक करवाते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से इसको चलाना चाहिए, किस तरीका चेक कर लें। तो ये फ्रेंड जो मशीन है, ये मशीन जो कि जो नहीं है,
छोटी मशीन है, लेकिन ये इसमें जो कमांड लागू का जो लुक आता है वो अच्छा आता है। तो मैं इसी पे कमांडो की डिजाने बनाता हूँ, इस पर अच्छा आने वाला है फिर। तो फ्रेंड जो हमने जंजीर बनाई हुई है, एक पे हम एक दो लाइन बनाएंगे, उस पर एक कलर चलाएंगे, दूसरी लाइन पे दूसरा कलर चलाएंगे और आपको इसका लुक चेक करवाएंगे। इस तरीके से हमको आराम आराम से मशीन चलानी है बूट को उठाते हुए, क्योंकि पैर को हम जब उठाएंगे तो हमारा जो मार्जिन है अच्छा रहेगा। तो आपको लुक चेक करवाएंगे, हम चेक कर लें। तो हम इसी तरह हम बारी बारी से सबके लगा लेंगे। उसके बाद हम दूसरा कलर अप्लाई करेंगे, नारंगी कलर येलो कलर है वो अप्लाई करेंगे, तो उसमें खूबसूरती आ जाएगी, तो यूनिक डिज़ाइन ये बन जाएगी। फिर इसे करवाएंगे, कैन पे भी हमने ट्राई कर लिया हुआ है। अब हम दूसरा कलर चला रहे हैं, तो फिर लुक आएगी आपको चेक करवाएंगे, अच्छी लुक आने वाली है। फिर इसमें तक्कड़ करने की वो नहीं है, तक्कड़ करोगे तो आपकी डिज़ाइन में पाल आ सकता है। ये चेक कर लेते हैं कैसी लुक आ चुकी है हमारी, ये चेक कर ले तो थोड़ी अच्छी आ गई। पांच पट्टी पे भी तरीके से लगा देंगे, चेक कर लेते हैं। पेन पट्टी पे भी हम लगा लेंगे पेन तरीका। फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को कमेंट करना, लाइक करना, और जो नए फ्रेंड आए हुए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो हमारे साथ जुड़ जाए। नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी और हम नई नई डिज़ाइनें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फ्रेंड ये फाइनल लुक हमारी बन के तैयार हो चुकी है, चेक कर ले, बिल्कुल ओके आ गई है, बिल्कुल यूनिक लग रही है। मार्किंग आपको चेक करवाइए, सिलाई भी चेक करवाइए, अब ये फाइनल लुक है, चेक कर लें आप, अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड इसके साथ ही जो चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।